हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे 17th एंड कल भाई दूज था। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा भी होता है। मैंने व्लॉग नहीं किया था, मैं उसकी पिक्चर्स डाल दूँगी। एंड ऑल्सो अभी छठ की तैयारी चल रही है। अगर आप ये देख रहे हैं और आप अगर बिहार के हैं तो आपको पता है छठ पूजा क्या होती है। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो हमारे यहाँ छठ पूजा होती है दिवाली के बाद। एंड कल से ये पर्व शुरू है, तो कल नहाखा होगा, परसों खरना होगा, उसके बाद अर्घ होगा शाम का, उसके बाद सुबह का अर्घ होगा। तो टोटल 4 दिन का होता है, उसकी तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से। और ऑल्सो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या पहनूंगी मुझे नहीं पता। मैं बहुत सारे कपड़े लेके नहीं आई थी, तो लेट्स सी क्या करते हैं। ऑल्सो गाइस, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती थी। भाई दूज में हम लोग ये बनाते हैं, और ये भाइयों के हाथ में या फिर गले में पहनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बस दिखाना था मुझे। एंड ऑल्सो यू नो, छठ में इतना एक्साइटमेंट होता है ना, पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है छठ पूजा। एंड इसका ना मतलब वाइब भी अलग होती है, पूरा पटना साफ़ हो जाता है, पूरा बिहार साफ़ हो जाता है, एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। हमारे यहाँ शुरू से ही हम लोग अपने छत पे ही अर्घ डालते हैं। हम लोग कभी घाट पे नहीं गए, मतलब मैं कभी घाट पे नहीं गई हूँ, क्योंकि कभी तो आई थिंक पता नहीं क्यों बस जाना बंद कर दिया, तो हमारे छत पे ही होता है। बट मुझे बहुत शौक है एक बार जाके गंगा घाट का अर्घ देखने का, बिकॉज़ वहाँ पे सारे ही लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत खूबसूरत सा लगता है देखने में। मैं व्लॉग्स बनाऊँगी छठ का, याद से मैं पक्का व्लॉग्स बनाऊँगी, एंड आई शो यू छठ में कैसा होता है। ओके, बस यही अपडेट देना था। एंड मैं सारे इमेजेस डालने वाली हूँ भैया दूज के, सो चेक देम आउट, पूरा देखना वीडियो। ओके, बाय।